अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमारे किचन में बन रही है बिरयानी और मैं इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। तो रेसिपी शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें न्यू वीडियोज़ के। ठीक है, चलते हैं जी। पहले इन्ग्रीडियंट्स, सबसे पहले चावल हमने सॉक करके रख दिए हैं, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए हमने इसको सॉक कर दिया। सेकेंड, फिर हमने लिया चिकन। चिकन में हमने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और बिरयानी का डब्बा मसाला उसमें इसमें डाल के हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया है 25 मिनट के लिए, 25 मिनट्स। अच्छा, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर प्याज काट लिए हैं। ये हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, यानी 3 कप चावल हैं तो उसमें ये 4 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज या फिर 3 बड़े प्याज हमने इसमें लिए हैं। और इसको हमने 1 कप ऑयल में, 3/4 कप ऑयल में हमने इसको ऐसे फ्राई होने के लिए रख दिया है। जब हम इसको फ्राई करेंगे, साथ साथ यहाँ पानी भी रख दिया राइस के लिए। और इसमें बादियान का फूल, 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी डाल के हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक ये बॉयल होगा तो फिर हम इसको राइस रेडी करेंगे। जब तक हम यहाँ पर जनाब मसाला रेडी कर रहे हैं बिरयानी का। अच्छा, हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा डार्क कलर का करना है, ठीक है। ऐसे ही अभी बहुत वाइटिश है, हमने इसको भी गोल्डन ब्राउन करना है। क्योंकि अगर हम अभी इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे तो राइस बिरयानी में वो फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। गोल्डन ब्राउन राइस में, पहले मैं ऐसे करती थी कि इसी में ही बाकी चीज़ें ऐड कर दी, तो बहुत डिफरेंस होता है फ्लेवर का। हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाना है। जैसे ये वाइट वाइट भी अभी नज़र आ रहे हैं तो हमने इनको भी गोल्डन ब्राउन करना है पूरा। यहाँ से सर बिरयानी का फ्लेवर आता है मज़ेदार सा। अगर हम इसी में ऐड कर देंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसे ज़्यादा नहीं हमने कुक करना क्योंकि फिर वो जल जाएंगे। इस स्टेज पर हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए जो हम ढक के रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसको कुक करेंगे जी। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और 1 to 2 मिनट्स हमने बस इसको हल्का सा कवर करके रखा था। अब यहाँ पे हमने जो मेन जिससे फ्लेवर में बहुत मज़े का डिफरेंस आता है वो है ये रेड चिलीज़, ये सुरख लाल मिर्चें। अगर लंबे वाली आपके पास हों तो वो प्रेफरेबल है, आपने पहले वो डालनी है। अगर वो नहीं है तो फिर ये गोल वाली भी आप डाल सकते हैं। हरी मिर्च का बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होता है और इनका रेड चिलीज़ का बहुत डिफरेंट फ्लेवर होता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ये रेड चिलीज़ डालें इस स्टेज पर, तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब इसके साथ हमने इसको अच्छे से भूनना है, जो हमारे टमाटर है उनको अच्छे से पीस लेना है ताकि वो भी मसाला अच्छा सा हमारा रेडी हो जाए। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो हमारा हम इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मसाला पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि जो हमने इसमें मसाला डाला हुआ है वो अच्छे से इसमें भून जाएगा। अच्छा, राइस जो एक शान का डब्बा है डैट इज़ इनफ फॉर 3/4 कप ऑफ राइस के लिए, ठीक है। यानी 1/3 पाव जिसे हम कहते हैं चावल के लिए वो इनफ है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा की क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने अपने पास स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं, लाइक रेड चिली अगर आपको कम लग रही है और सॉल्ट। नमक आपको अभी भी अपने अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें 1 स्पून जो है वो जस्ट सॉल्ट का ऐड किया है और बस थोड़ी सी 2 चम्मच दही डाल के हमने इसको यहाँ पे ढक के रख दिया था और फिर इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसकी अच्छी ये भुनाई कर लेंगे ताकि घी वगैरह निकल आए और जो मसाले हैं वो कच्चे ना रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, मसाला हमारा भुन गया। अब हमने इसमें 1.5 कप पानी डालकर चिकन को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। पानी ऐड कर दिया और बस अब हम इसको कवर कर देंगे और एटलीस्ट आपने 10 मिनट इसको ऐसे कुक करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए।
इतनी देर में हमने उसी पैन में जिसमें हमने राइस बॉईल किए हैं, यानी कोई खुला सा पतीला लेना आपने, उसमें आपने उसकी बेस को जो है वो ऑयल कर लें ताकि राइस जो है वो चिपके ना। अच्छे से ऑयल करने के बाद आप इसमें राइस की एक लेयर लगा लें। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पहले जो हमारा ये ग्रेवी है इसकी थोड़ी सी तह लगा लें, इसका ऑयल भी इसमें आ जाएगा तो उससे और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और मिक्स होने में आसानी होती है। लेकिन आपने ऑयल करने के बाद एक लेयर लगाई राइस की, ठीक है। ये हमने राइस की लेयर रेडी कर ली है और इसके ऊपर आएगा चिकन। थोड़ा सा इसमें एक लेयर हम चिकन की ऐड करेंगे। तो ऑयल जितना भी होगा आप यहाँ पे जाने दें ताकि वो बेस में चला जाए, और उससे क्या होगा कि चावल जो है वो चिपकेंगे नहीं। और अब यहाँ सेकंड लेयर लगा रहे हैं हम राइस की, चावलों को अच्छी तरह से फैला के, और हमने इसकी लेयरिंग कर लेनी है। यहाँ पे हल्का सा पुदीना, उसके कुछ पत्तों को हमने ऐसे तोड़कर हाथ से इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर हम अपनी सेकंड लेयर लगाएंगे चिकन की, और फिर एंड पर ऊपर राइस रखेंगे। बाकी का सारा रिमेनिंग जो है वो हमने इस पर डाल दिए और इसके ऊपर राइस डालेंगे। ये अब हमने अपनी लास्ट लेयर लगा दी राइस की, इसको अच्छे तरह से इस पर फैला लेंगे। अच्छा, चावलों को बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना है, ये टूटने नहीं चाहिए, वरना जब आप बिरयानी को दम लगा के खोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप हो जाएंगे। तो आपने केयरफुली राइस को हैंडल करना है। कलर्स डाल देंगे ऊपर, मैं यूजली 2 कलर्स यूज़ करती हूँ, रेडिश और येलो, तो बड़ा उसका मज़े का कलर आता है। तो रिमेनिंग पुदीना और हरी मिर्चें आपने ऊपर डालकर इसको, अब हरी मिर्चें डालकर बस अब हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, और आफ्टर 5 मिनट्स आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है इसको, और फिर आपने इसमें चम्मच मारना वरना राइस टूट जाएंगे। मज़ेदार बिरयानी रेडी है। अगर आपको पसंद आई रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपने ट्राई की, और अगर आप बनाते हैं तो किस मेथड से बनाते हैं, क्या डिफरेंस है, लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।